हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, पोखरण में हुआ कुछ ऐसा बड़ा कि भारत की शक्ति से घबरा गए पाकिस्तान और चीन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओ, ये वही जो कह रहे थे ना, सारे मेड इन इंडिया को कर रहे हैं और कोई कितने फॉरेन डेलीगेट्स भी आए हैं। वाह, अरे वाह, सेनाएं दुश्मन के खिलाफ अपना पराक्रम दिखाते हुए आगे बढ़ रही है। राजस्थान के पोखरण में भारतीय सेना ने ऐसा धमाकेदार प्रदर्शन किया जिससे इस्लामाबाद और बीजिंग थर्रा गए। भारत शक्ति नाम दिया गया था। युद्ध अभ्यास का मूल वाक्य था स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण। अपने मूल वाक्य के मुताबिक ही सेना के तीनों अंगों ने स्वदेशी हथियारों से पराक्रम दिखाया है। सेना ने स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की ताकत का परिचय प्रधानमंत्री से करवाया। एक साल 6 मिसाइल लॉन्चर से कई रॉकेट लॉन्च हुए। सभी रॉकेट आसमान से दुश्मन के ठिकानों की ओर पर चले और अपने लक्ष्य पर पहुंचकर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर दिया। पिनाका स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है और ये सेना के सबसे बड़े हथियारों में से एक है। पिनाका की ताकत को देखकर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दहल गया होगा, क्योंकि जिस जगह से युद्धाभ्यास हो रहा था वहां से पाकिस्तान की सीमा महज 110 किलोमीटर दूर ही थी। भारत शक्ति युद्धाभ्यास में स्वदेशी फाइटर तेजस ने जब उड़ान भरी तो पोखरण के आसमान में भयंकर गर्जना हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेजस को अपनी दूरबीन से निहार रहे थे। इसके बाद जाबाज फाइटर पायलट ने तेजस से बम दागकर दुश्मन के टैंक उड़ाने का पराक्रम प्रधानमंत्री को दिखाया और कुछ ही सेकंड्स में दुश्मन का टैंक चलकर खाक हो गया। सच में टैंक को फोड़ दिया, ये नकली होना चाहिए। धरती से धनुष तोप ने जमकर गोले दागे। ये स्वदेशी हथियार भी भारतीय सेना की बड़ी ताकत में से एक है। धनुष तोप ने दुश्मन के हथियार डिपो और फ्यूल डिपो को उड़ाने का प्रदर्शन किया। युद्धाभ्यास में स्वदेशी मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर के जरिए पहले सेना की एक गाड़ी को एयरलिफ्ट कर दुश्मन के ठिकाने तक पहुँचाया गया। इसके बाद भारतीय सेना का एक जाबाज कमांडर हेलीकॉप्टर से उतरा और उस गाड़ी में जाकर बैठा जिसे हेलीकॉप्टर ने उतारा था। रस्सी भी ले ली है साथ में। इसके बाद सेना के जवानों ने आतंकियों का खात्मे का प्रदर्शन किया। वाह। इस अभ्यास के जरिए सेना ने ये बताया कि किसी भी मुश्किल हालात में सेना दुश्मन के इलाके में कैसे दाखिल हो सकती है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, मोदी जी की कैप पे भी तिरंगे का, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, लिखा भी है भारत शक्ति। ये नए भारत का आह्वान है। मोदी जी मुझे कैप दे दो। भारतीय सेना का ये प्रदर्शन दुश्मनों की आंखें खोलने और उनके दिल में भारतीय सेना का खौफ भरने के लिए काफी था। बहुत मजेदार है, कमाल है। भाई कौन, गोलियों की ये गूंज आतंकियों के लिए किसी काल से कम नहीं है। गोलियों की ये बौछार कर रहे हैं BMP-2 टैंक पर लगी गन। ओए होए। एक साथ आधा दर्जन BMP-2 टैंक दुश्मन के ठिकानों पर गोलाबारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ताकि दुश्मन सैनिकों का छल नहीं कर सके और उनके इरादों को नाकाम कर सके। ओए होए, क्या तेजी से आ रहे हैं, मिट्टी मिट्टी उड़ गई।
दुश्मन के बस की बात नहीं, तो भारत हाईटेक युद्ध में भी किसी से पीछे। ओए ये कहां से आ रहे हैं, कहां लग, कहां से उड़ के वो के आकाश में एक ड्रोन्स। साथ कई ड्रोन नजर आने लगे। ड्रोन्स हैं, नरेंद्र मोदी भी उन ड्रोन्स को दूरबीन से देख रहे थे। कुछ ही देर में ये ड्रोन दुश्मन के ठिकानों पर बम वर्षा करने लगे। एक दो नहीं बल्कि 100 ड्रोन के जरिए बम बरसाने का युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने किया। ओए किस रंग के निकल रहा है, ग्रे ग्रे सा धुआं। भारतीय सेना ने पहली बार ड्रोन युद्ध का इतना जबरदस्त युद्ध अभ्यास किया। ड्रोन के ये स्वाम्प है, स्वाम्प ड्रोन। अर्जुन की एंट्री ना हो ये कैसे मुमकिन था। मेन बैटल टैंक अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने युद्ध कौशल को दिखाया। रेगिस्तान में धूल के गुबार के बीच ये टैंक गुजरे और दुश्मन के दिल हिलने लगे। आधा दर्जन से ज्यादा अर्जुन टैंकों ने गोले दाग कर चीन और पाकिस्तान को भारत की शक्ति का एहसास करा दिया। ये पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण उसका दम भी देख रहे हैं। भारत आज पूरा देश भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गुंज पाकिस्तान और चाइना में, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। नहीं मोदी जी, पाकिस्तान और चाइना में सुनाई दे रही है। दुश्मन का कोई ड्रोन विमान घुसपैठ करता तो उसे कैसे निस्तनाबूद करना है, इसका प्रदर्शन भारतीय नौसेना और थल सेना ने मिलकर किया। वो ये क्या है, एडवांस गन से चीजें टूट के उड़ रही हैं। तो चंद सेकंड में दुश्मन का विमान बर्बाद होकर जमीन पर, इसको तोड़ा है नौसेना ने। एयर डिफेंस सिस्टम ओए होए कैसे निकलती हैं, उसके अंजर पंजर उड़ गए सारे प्लेन के। कैसे उसका ये खुद ही बनाया है भारतीय सेना के जाबाज जवानों ने। हाँ वो देखा था ना एक बार हमने, ये इसको पकड़ लें। इस अभ्यास के जरिए सेना ने आतंकियों को ये संदेश दिया कि भविष्य में अगर आतंकी ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड बनाया तो इसी तरह वो भी चलकर रात हो जाएंगे। भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। प्रचंड के साथ साथ सेना के सबसे ताकतवर टैंक भीष्म ने दुश्मन के खिलाफ साझा अभियान छेड़ा। जमीन से भीष्म ने इतनी तेज चल रहे हैं, मुझे लगता था नहीं धीरे चलते हैं, 40 किलोमीटर तक चलते हैं, तो बड़े तेज लग रहे हैं। शक्ति में शामिल सभी हथियार स्वदेशी थे। भारत जैसे देश के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना क्यों जरूरी है, अब ये भी जान लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का 2 परमाणु शक्ति संपन्न दुश्मनों से घिरा होना। कचरे नेबर जोन जैसे दुश्मनों से घिरा है भारत। 2 मोर्चों पर युद्ध के लिए स्वदेशी हथियार बेहद जरूरी है। आयात के हथियारों से लंबा युद्ध संभव नहीं है और इन्हीं खतरों को देखते हुए भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। मोदी जी के इसमें क्या क्या लगे हुए, गन्स लग रही है मिलिट्री के व्हीकल में। और क्या मजेदार था, पूरा देखने को मिला, एक से एक बढ़कर थे। कैसे ये वॉर 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 का ये 1% भी नहीं होगा, 0.0001% कह सकते हो। और देखिए बहुत अच्छी बात है कि पूरे इंडिजिनसली बिल्ट स्वदेशी जितने वेपन्स है उनकी एक्सरसाइज की है। हाँ। कि आप दिखाइए कि आपने क्या कैपेबिलिटी, आप क्या बना सकते हैं। इन चीज़ों का अनलिमिटेड सप्लाई हमारे पास है, हम खुद बना सकते हैं, इससे फाइट कर सकते हैं। तो ये बहुत चाहिए, अभी ये सिर्फ लोगों को अवेयरनेस देने के लिए है कि हम इतना सब कुछ बनाते हैं, अभी शुरुआत है, अभी आगे बहुत कुछ होगा। साथ में कह रहे हैं कि बहुत लोग फॉरेन से भी आए हैं देखने के लिए कि ये कैपेबिलिटी है, अगर तुम्हें चाहिए तुम खरीद सकते हो, ले सकते हो। और तेजस भी था इसमें, तेजस भी था, और जितना हम यूज करेंगे, जितना कॉम्बैट करेंगे उतना बेटर होगा। वेरी नाइस, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। ये नया कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ मेड इन इंडिया वाले
का ही यहाँ पर यही होना चाहिए। और मुझे हमें याद है जब हम फर्स्ट टाइम रिएक्शन किया था तब से ये कह रहे हैं कि हमें खुद के बनाने चाहिए। जब वीडियो होता था यहाँ खरीदने वहां खरीदे, ये बोलते थे अच्छा खरीद तो रहे हैं पर हमें खुद बनाने। और मैं कई बार इनको गुस्से होती थी, मतलब बार बार क्यों बोलते रहते, बार बार यहाँ पे कहीं वॉर चल रही हो, जैसे कहीं वॉर चल रही है वहां पे थोड़े डिस्काउंट में तेजस को देना चाहिए, मगर ये बोलना चाहिए कि उसमें जो भी लर्निंग होगी वो हमें मिलेगी, थोड़ा डिस्काउंट में जो भी कॉम्बैट में हम लेके जाओ तेजस को, उससे जो भी लर्निंग मिलती है वो हमें डेटा हमें चाहिए, हम ताकि हम तुम्हें थोड़ा सस्ता दे देंगे, मगर हमें क्योंकि ट्राई करके देखना है कि कॉम्बैट में कैसे परफॉर्म करता है, उससे ये लोग खरीदेंगे भी, बिल्कुल हमारी इम्प्रूवमेंट भी होगी और अच्छा निकलेगा तो सारी दुनिया में भी होगी वाह भाई और फिर और बिकेंगे, ऐसा नॉलेज आएगी कि कॉम्बैट में। और खासकर जब ये न्यूज आई कि एक जो है क्रैश हो गया, तो इस टाइप की कोई एक हमें चाल या ट्रिक यूज करनी चाहिए बेचने के लिए, ताकि उससे जो भी अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है वो सब हट जाए उससे, क्योंकि भैया मेड इन इंडिया में जो माल बनेगा वो खराब हो ही नहीं सकता है। ये चाइना का माल नहीं है जो खराब होगा और दूर पाकिस्तान को बेचा जाएगा, हम जो बनाएंगे बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलो यार अभिषेक अगर ना अपने थॉट्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।